सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू दिस हैप्पी पीडीएस प्लेटफॉर्म। सो कैसे हो बच्चों सारे के सारे? और माइक्रो कोर्सेज से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल उसी से पढ़ना है, बिकॉज अभी इतना समय नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर सकूँ। मेरे पास इतना ही समय कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में उन टॉपिक्स को कर सकूँ बच्चों जो मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेरे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, अभी जो यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज हैं उनके अंदर परसेंटेज भी दी गई है। सो बताइए पिछले सेशन कैसे लगे? होपफुली आपके लाइक शेयर से व्यू से पता चल रहा है कि आपको सेशन बड़े ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है? सो ऐसे ही सेशन को और पसंद कीजिए। कैसे? पिछले सेशन देखिए, माइक्रो कोर्सेज को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है बच्चों? सो बताइए ठीक चल रहा है? सो तैयारी देखो अभी भी सी सेट में टाइम है, ठीक है? अभी भी हमारे पास 25 के दिन अराउंड दिन है, 24-25 दिन है। बट आपको याद रखना है कि एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा काम करके हम सी सेट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो जब सी सेट आए तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने अभी पीडिया के माइक्रो कोर्सेज से इतना अच्छा पढ़ा हुआ है कि हमें अब चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि चिंता करके ना टेंशन लेके एग्जाम में टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम, होपफुली आपको बढ़िया से लगा होगा। आज हमारे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी तरीके से बन सकते हैं। चलिए चलिए भाई, यह है मेरे पास यूपीएससी 2014 में। मेरी कोशिश यही है कि मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस ला के आपको बढ़िया से करा सकूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चल सके। डन। अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 7 मिनट अर्लियर वॉकिंग एट द रेट 6 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द फैक्ट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आई वॉन्ट टू सी योर अप्रोच, प्लीज करें। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, करो बच्चों। देखो फॉर्मूला फॉर्मूला से करने का कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूले की अप्रोच नहीं चलने वाली है। मैं बताता हूँ करना क्या। देखो मेरे को यहाँ पे दो कंडीशन है, आई हैव टू कंडीशन ओवर देयर। कंडीशन वन क्या कह रही है मेरी? कंडीशन वन कह रही स्पीड मेरी कितने पहले 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और कंडीशन टू क्या कह रही मेरी? कंडीशन टू मेरी कह रही है 6 किलोमीटर पर आवर। पहला 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब देखो, अब वो कह रहा है सबसे पहले क्या करो, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ नहीं करना, अभी जस्ट इनका एलसीएम लो, डिस्टेंस नाप लो। मैंने बोला 5 × 31 तो ये हो गया 30 किलोमीटर। मैंने मान लिया भाई डिस्टेंस मेरा 30 किलोमीटर है, ठीक है? देखो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, होता कि नहीं होता? बिल्कुल। तो डिस्टेंस अगर 30 है, स्पीड अपने को पता है, स्पीड है मेरे पास 5, तो टाइम तो क्या यहां से 6 आवर लगे, ठीक है बेटा? यहां पे क्या कह रहा है वो, यहां पे कितने लगे 5 आवर, ठीक है? अब सुनो, अब टोटल वो क्या कह रहा है, अब टोटल वो क्या कह रहा है, द वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट। देखो यहां से पहले 3 मिनट लेट आ रहा है, 3 मिनट लेट, और यहां पे क्या हो रहा है 7 मिनट अर्ली। तो इसका मतलब मैं ये बोल लूंगा कि दोनों कंडीशन में डिफरेंस कितना है मेरा, 10 मिनट। सोच के देखो, आप टाइम से 3 मिनट बाद आए हो, आपका फ्रेंड टाइम से 7 मिनट पहले बैठा है, तो डेफिनेटली आपके और उसके डिफरेंस में कितना, 10 मिनट का डिफरेंस होगा टाइम में, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का, यानी कितने का, 60 मिनट का। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बेटा, 10 मिनट, कितने टाइम्स, 1/6 टाइम्स। तो इसको 1/6 टाइम्स कर दो, आंसर इसका कितना आ गया मेरा, 5 किलोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? दैट वाज वेरी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है? काफी बार स्टेट लेवल पे वैसा पूछा गया, बट अभी आए हुए तो कर पाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत बार। रिसेंट टाइम में आया नहीं है बट आ सकता है,
अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेज्ड बाय अ पुलिस मैन हू स्पीड इज, और ये है अपना यूपीएससी 2013 के अराउंड का ऐसा क्वेश्चन आया था, पुलिसमैन हू स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल भी, बताइए कितना समय लगेगा पुलिसमैन जब उस चोर को पकड़ लेगा तो कितना समय लगेगा बताओ मुझे, कितना समय लगेगा स्टूडेंट्स बताओ, देखो स्पीड ऑफ द थीफ कितनी है मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द पुलिसमैन कितनी है मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर। देखो चेज करेगा चेज कैसे करते हैं, जब किसी के पीछे भागेंगे यानी डायरेक्शन मेरी क्या होगी, इट मीन्स सेम डायरेक्शन में भागेंगे, समझा की बात, सेम डायरेक्शन में भागेंगे। अब कैसे भागेंगे देखिए, यदि मैं बात करूं यहां पे हमारे पुलिस जी हैं और यहां पे हमारा चोर है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी अगर मैं बात करूं दूरी कितनी है, प्रश्न में दिया गया मुझे 100 मीटर, इज दैट क्लियर, कितना दिया गया 100 मीटर, इसका मतलब चोर जो है हमारे पुलिस भाई साहब से 100 मीटर की दूरी पे है। अब मेरी बात सुनो, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली पकड़ेगा तो ये तो पता ही है ज़्यादा स्पीड वाला, तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का, वो कितनी होगी 10 - 8 यानी कितना 2 किलोमीटर पर आवर, बट जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हैं ना वो सारे मिनट में दिए हैं, तो क्यों ना सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यानी कौन सी रिलेटिव स्पीड, डेल्टा से बोल देता हूँ उसे मैं, डन। तो भाई डिस्टेंस कितना है मेरे पास 100 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरे पास 2 × 5/18 इंटू टाइम, बिकॉज अगर टाइम में सेकेंड्स में निकाल लूंगा तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है मेरे लिए, डन। चलिए सो भाई 5 × 10 ये कितना हो गया 180 तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 मिनट मेरा सही उत्तर है इस प्रश्न का, डन। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न था ये काफ़ी, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन डरना नहीं है, बिल्कुल करना है, तगड़े होकर करना है, अभी आपको रिसेंट टाइम के क्वेश्चंस भी दिखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे, चलो भाई ये अपना यूपीएससी 2015 का प्रश्न करिए, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए एंड ए विन द रेस बाय वाइल ए विन द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड, ओके बिहाइंड द फिनिशिंग पॉइंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। चलिए अब बच्चे मैक्सिमम बच्चे ना इसको रेसिस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपका रेसिस है सर्कुलर रेसिस वाला होता है ना वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बट उसका क्वेश्चन नहीं है, रेस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप पहले ट्राई कीजिए फिर मैं आपको करवाऊंगा इस प्रश्न को, करो प्लीज। सो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइक्रो कोर्सेज जरूर करो, क्योंकि बिकॉज देखो जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे भी ज़्यादा आराम से कॉन्सेप्ट जो है माइक्रो कोर्सेज में बताया गया आपको अगर उनको आप नहीं करोगे ना तो बेटा बहुत पीछे रह जाओगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो डेली डेली भाई टाइम नहीं मिलता हमें, इतने सारे बच्चे क्वेरीज आउटपुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं कि सर ये कैसे करें, चैप्टर कितने का, चैप्टर के, तो आप जाओ और देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलो देखें जरा, देखो अब मैं आपको एक बात था, अगर सेम टाइम पे तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे अगर सेम टाइम की बात है तो यहाँ पे बोलो टाइम कॉन्स्टेंट है, बोल सकता हूँ टाइम कॉन्स्टेंट है, यस आई कैन, बिकॉज देखो मेरे पास होता क्या, अगर मैं बोलता डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम है, अगर देखो उसने क्या बोला है, आप रेस का मुकाबला कैसे करते हो, रेस का विनर और लूजर का आप कैसे डिसाइड करते हो मुझे ये बताओ, कैसे करते हैं कि सर बात इस तरह है, एक फिक्स टाइम दे दिया मैंने, एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया, जितना मर्जी टाइम लो डजंट मैटर, बट जो पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा, ऐसे ही होता है बस, इसका मतलब दोनों ने समय तो बराबर लिया, वो अलग बात है कि बी 45 मीटर अहेड खड़ा ए के,
ठीक है, ये थोड़ा अच्छा धावक है। ठीक है, देखो सपोज करो कितने मीटर की रेस है भाई ये, 500 मीटर। अगर मैं एक ही बात करूं ए को, तो सारा का सारा कितना बना, 500 भागना। ए जब ही जीतेगा ना, अगर ए 500 का 500 भाग, क्वेश्चन में तो बोला है वाइल बी सिल 35 मीटर। अब मैं बी की बात करूं, बी यहां पे नहीं, बी खड़ा यहां पे, वो कहां पे भाई 45 मीटर हेड, यानी यहां से 45 मीटर कम है। और फिर वो क्या करता है, टोटल यहां से 500 मीटर है, और वो क्या कह रहा है 35 मीटर, यानी 45 और 35 कितना हो गया 80, तो 420 बचा। तो बी ने कितना चला होगा, 420 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं टाइम कॉन्स्टेंट और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, यानी जो मेरे डिस्टेंस का रेशो वही मेरा स्पीड का रेशो, मुझे कुछ भी नहीं करना, डन। तो डिस्टेंस का रेशो कितना है मेरे पास ए और बी का, अरे ये भाग रहा 500, तो क्या बी 420 भाग रहा है, ध्यान से देखो 45 और 35 80 हो गया। तो स्पीड का रेशो भी क्या रहने वाला है, 500 रेशो 420, माइनस कर दो कितना आ गया 25 रेशो 21, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया, क्योंकि ये तो 5 रेशो 4 है इनडायरेक्टली, डन। सो काफी अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन था, और इजी क्वेश्चन था काफ़ी, कि मुझे यही नहीं पता चलता क्वेश्चन में कि बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है। सो सबसे पहले जनरेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू सीखिए कि कांस्टेंट वैल्यू निकलती कैसे है। आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, माइक्रो कोर्सेज की प्रैक्टिस करके आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो अब रिसेंट का 2017 का क्वेश्चन है आपका ये। चलो आ फर्स्ट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later, an express train left for Delhi for Mumbai, following the freight train on the parallel track at an average speed of 60 km/h. How far from Delhi would the express train meet and meet the freight train? बताओ जरा। अब अभी हमने जो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन किया ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बट अब वो ये पूछ रहा है कि चोर कितने मीटर पे पकड़ा जाएगा इन द डायरेक्टली। ट्राई कीजिए, ट्राई करो प्लीज। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फर्स्ट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, देखो फर्स्ट ट्रेन यहां से चली, ये दिल्ली और ये मुंबई है, ये दिल्ली और ये मुंबई है, ठीक है। एट एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 hours लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, इसका मतलब देखो टाइम नहीं पता, सिर्फ ये पता है एग्जैक्ट टाइम कितना, 2 घंटे, 2 आवर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड कितने 40, टाइम कितना होगा 2, यानी कितना होगा, यानी अभी ये 80 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। जो पहले वाली फ्रिज ट्रेन है ना, वो कितने किलोमीटर दूर है भाई, वो 80 किलोमीटर दूर है किससे, दिल्ली से। फिर क्या हुआ, एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है यहाँ से, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है यहाँ से, उस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी मेरे पास, 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात सुनो, 60 किलोमीटर पर आवर होकर क्या रही है, ये क्या कर रही है, अगर मैं बात करूँ इससे, ये क्या कर रही है मेरे पास, अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी मेरे पास, 80 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और 60 20 किलोमीटर पर आवर होगी। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा स्पीड, मुझे सबसे पहले टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है 80, रिलेटिव स्पीड कितने 20, तो बेटा टाइम कितना आ गया मेरे पास 4 आवर। इसका मतलब अब मेरी बात सुनो, 4 घंटे के बाद, ठीक 4 घंटे के बाद ये ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको पकड़ लेगी ना,
इसके बराबर होगी या इसके अप्रोच कर चुकी होगी, बट स्टिल द क्वेश्चन इज सेइंग कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन। इसका मतलब उसने 4 घंटे चली है वो, तो डिस्टेंस स्पीड इन टू टाइम, तो स्पीड है मेरी 60 और टाइम लगे 4 घंटे, तो भाई कितना 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, वही माइक्रो कोर्सेज बहुत डिटेल में बताया गया, पूरा लेक्चर होगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिलेटिव स्पीड पे, तो गो एंड ट्राई दीज माइक्रो कोर्सेज। ओके चलिए इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, ये है रेसिस वाला क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था कि भाग रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड आर 3 contestants इन अ रेस ऑफ 1000 meter, अज्यूमिंग दैट ऑल रन द डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है सबकी अलग अलग स्पीड। एक्स गिव्स वाई अ स्टार्ट ऑफ 40 meter एंड एक्स गिव्स जेड अ स्टार्ट ऑफ 64 meter एंड वाई एंड जेड वर टू कम्पीट इन अ रेस ऑफ 1000 meter। मतलब वो कह रहा है एक्स तो दे ही रहा है बट बेसिकली रेस किसकी है मेरे पास, वाई और जेड की, ठीक है 1000 meter। हाउ मैनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड, बताओ। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो पहले, पहले एक्स और वाई की बात कर लें। एक्स ने क्या किया, अगर 1000 चल रहे हैं तो वाई कितना चल रहा है, 960 चल रहा होगा। अगर मैं एक्स और जेड की बात कर लूं, एक्स चला 1000 और वाई की, एक्स ने कितने की स्टार्ट दी, 64 की, तो 64 × 6 = 70 तो कितना होगा, 936 डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक्स तो चाहिए ही नहीं ना, सिर्फ एक्स को कंपेयर के लिए चाहिए था, तो क्योंकि अगर एक्स बराबर है जब मैं कंपेयर कर पाऊँ, अगर एक्स बराबर नहीं होता तो इसको बराबर बनाता मैं, डन। जैसे यहाँ बोलता 500 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता मैं, रेशो जेड, ये कितना हो गया 960 और 936 डन। कटिंग करो इसकी फटाफट, बताओ कितना आ रहा है, कटिंग कीजिए। देखो अगर मैं इसे 4 से काटूं तो ये कितना आएगा, 240। ओके अगर इसे मैं 4 से काटूं, इसे 3 से कटना ज़्यादा आसान था, 4 से काट लेते हैं, 4 × 2 = 8 एक बचा, 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 4 × 5 = 7 8 9 3 से काटूं, 3 × 8 = 24 3 × 7 = 21 3 × 8 = 24 तो कितना आ गया, 40 × 39। देखो अब वो 1000 meter की बात कर रहा है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से, तो इसे जब आप 25 से करोगे तो वैसे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 यूनिट का, एक ही वैल्यू 25, तो आंसर कितना आ गया वैसे, 975 आएगा, लिख लो इसको, 25 × 75 और 750 और 25 × 2 = 25 बिल्कुल जी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25 meter डन है। तो दीज आर सम फैंटेस्टिक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो प्लीज प्लीज बच्चों माइक्रो कोर्सेज लो यार, टाइम कम बचा है, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जीएस सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट जो दिक्कत आते हैं ना वो सी सेट में आते हैं, क्योंकि अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हो बेटा तो कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पुशअप करो, माइक्रो कोर्सेज लो, अभी भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ कुछ, जैसे मैं लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। जैसे बात करो चूज एग्जाम सिविल स्टेट, इतने सारे बच्चे ले रहे हैं, डेली कॉल्स आ रहे हैं, डेली बहुत सारे बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज माइक्रो कोर्सेज, तो हम चलेंगे माइक्रो कोर्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने डालना है अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर, ठीक है। अब उसे होगा क्या, टीम कनेक्ट करेगी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, हमारे पास समय वैसे ही कम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काउंसलिंग सेशन यहाँ से अपना बुक कर सकते हैं, डन। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बताऊँ, देखो पूरा बंडल है, 32 माइक्रो कोर्सेज है एक बंडल है, ठीक है। यहाँ पे 3657 का है, 3657 3657 का, बट मत लीजिए ऑलमोस्ट, देखो ऑफ भी किया हुआ इसीलिए कि बच्चों को भी दिक्कत ना हो। देखो अगर मैं नंबर सेशन की बात करूँ, इस पर भी 40 अगर 32 रुपये का ऑफ चल रहा है आपके ऊपर, 34 रुपये का। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर पूरा नंबर सिस्टम है, 10 लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर्स
बहुत होते हैं 10 लेक्चर्स, ठीक है। नो वेब नोट्स है 367 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सिर्फ कितने का है 309 रुपये का। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे 21.88% क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से आपके, तो हर चैप्टर के मतलब 22% क्वेश्चन इस चैप्टर के आए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन के तकरीबन 15%, के 9%, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 8.59, टाइम एंड डिस्टेंस के 4.6। तो ऐसे करके आपको हर चैप्टर की वेटेज भी पता चल रही है। सो दैट इज़ अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अभिपीडिया माइक्रो कोर्स, इट्स अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, डन। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।